नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं एसकेएन एग्रो न्यूज़। तो किसान साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल वीडियो, जो बोरवेल आता है उसकी मोटर निकालने और उतारने के लिए जो जुगाड़ होता है उसी के बारे में आज सारी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर से ऑपरेट ये जुगाड़ है और 20 फीट की इसकी हाइट होती है, 20 से 22 फीट का। दो फोल्डर में बना हुआ होता है, यानी दो सेक्शन होते हैं उसको, एक अंदर और एक बाहर की तरफ। उसको निकाल के वहाँ पर पिन लगा दी जाती है और एक टोचन की सहायता से उसको ऑपरेट किया जाता है, यानी टोचन के द्वारा पाइपों को ऊपर ले जाया जाता है और फिर जो रिंच बांधा होता है उसके द्वारा उसको कस के बोरवेल के अंदर उतारा जाता है। तो ये जो जुगाड़ है, काफ़ी सारे किसान भाई भी बनवा रखे हैं और जो मोटर रिपेयरिंग करने वाले होते हैं वो भी बना के रखते हैं। तो इससे किसानों को काफ़ी सुविधा मिलती है अपने बोरवेल के अंदर मोटर निकालने और डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि किसान भाई का पंप सेट है, उसको उसके ऊपर से उतारा जा रहा है। इसको लोरिंग भी बोलते हैं, जुगाड़ भी बोलते हैं और झोंगा भी बोलते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ये ट्रैक्टर की पीटीओ पावर से ऑपरेट होता है और इसको जो एक्सेलेटर होता है उसको एक रस्सी बांध के पीछे लेके आते हैं और फिर उसी की सहायता से इसको चलाया जाता है। तो आज इसी के बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, मोटर उतारने से पहले जो केबल होता है उसको जॉइंट किया जाता है। जॉइंट दो या तीन प्रकार से होते हैं, आगे कभी समय मिला गया तो हम बारीकी से इस पर और अलग से वीडियो बना देंगे। तो जॉइंट किस तरह से किया जाता है वो, इसके अंदर क्या वाटर प्रूफ जॉइंट होते हैं, इसका वीडियो हमने बना रखा है। आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे और एसकेएन टेक्निकल के ऊपर भी मिल जाएंगे। ये देखिए, 2 इंच का सॉकेट है GI का। अब 2 इंच की पाइप लाइन है किसान भाई की, तो उसी के अंदर लगाएंगे। और यहाँ पर जो 4 mm का जो केबल है, 1100 वोल्ट, आप देख सकते हैं 3 कोर केबल है, इसको अंदर डालने वाले हैं। ये कॉपर का केबल होता है और इसमें अच्छी हैवी ड्यूटी केबल ही डालना चाहिए मोटर के अंदर। अगर हम लोकल केबल डाल देंगे तो उसमें फॉल्ट आएंगे, फिर जॉइंट जल जाएंगे या मोटर में अच्छे से वोल्टेज नहीं जाएंगे तो मोटर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए केबल का चयन अच्छा करें, अच्छी केबल डालें, अच्छी कंपनी का डालें और इसको बड़ी सावधानी के साथ उतारते समय ध्यान रखें, वरना बीच में क्या छिल जाता है तो उसमें वापस जॉइंट करना होता है। यानी जो मोटर डालते हैं उसमें घिसावट के कारण केबल टूट जाता है तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ट्रैक्टर के पीटीओ से एक शाफ्ट बना रखी है। शाफ्ट काफ़ी लंबी है तो इसको 3 भागों में बना के यहाँ पर लाया हुआ है और एक रस्सी बांध के ट्रैक्टर के एक्सीलेटर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और आप देख सकते हैं, जो 20 फीट का 2 इंची पाइप है उसको कैचे के टोचन के द्वारा ऊपर ले जाया गया है और फिर इसको पाइप के सॉकेट को ऊपर रख के पहले हाथों से उसके आटे लगाएंगे और फिर जो रिंच पाना होता है उसी पाने के द्वारा, चेन से बनाया हुआ पाना होता है उसी के द्वारा उसको टाइट किया जाएगा और फिर बोरवेल के अंदर उतारा जाएगा। और हर पाइप के जॉइंट पे केबल को रस्सी से बांधा जाता है ताकि केबल बीच में इकट्ठा ना हो और अच्छे से सीधा स्ट्रेट में रहे। यानी बोरवेल में ज़्यादा केबल की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी होती है उतनी उसके साथ बांध दिया जाता है। अधिक मात्रा में केबल इकट्ठा होगी तो घर्षण के कारण केबल टूट जाएगा, उसमें जॉइंट आ जाएंगे, इसीलिए केबल को टाइट बांधा जाता है। अब बात कर लेते हैं रेंट पे जो किसान भाई मंगवाते हैं इस जुगाड़ को, यानी एक पाइप को निकालने और उतारने के 100 से 150 रुपये का चार्ज है और कोई 200 रुपये भी ले लेता है। यानी अगर आपकी मोटर में 10 से 15 पाइप हैं 20 फीट के, तो उसको निकालने और डालने के मात्र 1500 या 2000 रुपये लगेंगे, ये इसका चार्ज होता है। और अगर आप इसको बनवाएंगे तो 1 लाख या 1.5 लाख के समथिंग इस जुगाड़ को आसानी से बनवा सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता होती है, एक उसको चलाने के लिए चाहिए और 2 पाइप को कसने और खोलने के लिए चाहिए। काफ़ी सेफ्टी के साथ इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो जो किसान की मोटर है वो बोरवेल के अंदर गिर जाएगी
और काफ़ी किसानों के साथ ऐसा हुआ है कि जिनकी मोटर बोरवेल में निकालते या डालते समय गिर गई है, तो फिर उसको निकालने के लिए इसी जुगाड़ के द्वारा, जो आप देख सकते हैं लोरिंग, इसी के द्वारा मोटर को निकाला जाता है। उसमें फिर ये रोडें, जो 20-20 फीट की राडें होती हैं लोहे की, उसको लगा के नीचे जुगाड़ बना के उसको निकाले जाते हैं। उसकी वीडियो हम कभी समय मिलेगा तो अगले समय आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से बोरवेल में फंसी हुई मोटर निकालते हैं जुगाड़ के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ये जुगाड़ बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार और कमाल का जुगाड़ है। ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है, ट्रैक्टर बिल्कुल ही स्लो रेस में चलता है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है, मात्र घंटे का 3 से 4 लीटर डीजल की खपत होती है ज़्यादा मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए क्लच का सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ से एक लीवर को फ्री कर दिया है तो ये बेल्टें घूम रही हैं और सारे जो रोलर हैं वो अभी बंद हैं, यानी इसको ऑपरेट करना भी बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का फीचर बनाया हुआ है। तो ये जुगाड़ किसानों की मोटर को निकालने और डालने के लिए किया जाता है, इससे आप एचडीपी पाइप होता है रस्से के द्वारा जो मोटर उतारी जाती है वो भी उससे उतार सकते हैं। और इसका जो एक अपग्रेड मॉडल और बनाया हुआ है जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है, यानी उसमें पूरा मैनुअल काम नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक होता है, जैसे पाइप के आटे कसना, वाइस को ढीला करना और वहाँ से ऑपरेट करना, ये सारा जो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक बनाया हुआ है उसकी वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और दोनों की वीडियो एक साथ बना के आगे अपलोड करेंगे। तो देखिए पाने से किस तरह से टाइट किया गया है पाइप को और फिर उतार दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ बनाया है किसानों को मोटर निकालने। पहले क्या होता था, ये जुगाड़ नहीं थे, उससे पहले जो गोड़ी ब्लॉक आते थे, यानी 3 पाइप की गोड़ी बना दी जाती थी ट्राईपोड के जैसे, और उसके फिर ब्लॉक लगा के चेन को पीसे उसको निकाला जाता था, तो काफ़ी परेशानियां होती थी, उसमें काफ़ी हादसे भी हो जाते थे, ब्लॉक जो होते हैं ऊपर से स्लिप होते थे तो किसानों के ऊपर सर पे लग जाती थी, या पाइप स्लिप होके बोरवेल में गिर जाते थे, तो उसी को छुटकारा पाने के लिए जुगाड़ बनाए हैं। और काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, हेवी भी है, पूरा GI से बना हुआ है, इसमें गियर का इस्तेमाल किया है, काफ़ी सारे गियर लगा के इसके RPM को कम ज़्यादा किया हुआ है।